फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिक्स विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर और डेटिंग ऐप्स के ऊपर चल रहे स्कैम के बारे में। जी हाँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, पेड गर्ल्स का, पेड फंड का। जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन करते हो ना, या डेटिंग वेबसाइट्स पे जाते हो, अब इंस्टाग्राम सेक्शन में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको मिलता है पेड फंड्स प्रिया, पेड फंड सोनिया, ये लड़कियां कमेंट्स करती है। और आप इनकी प्रोफाइल पे जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है हमें डीएम करो फॉर फंड एंड फॉर सर्विस। अब होता क्या है, जैसे डीएम करते हो या आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं, पेटीएम नंबर देती हैं, फोन पे नंबर देती हैं और पैसा आप ट्रांसफर करते हो, आपके साथ हो जाता है स्कैम। क्योंकि लड़कियां नहीं, लड़के हैं जो फेक प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं। देखिए, जो एक्सटॉर्शन हो रहा है ना इंटरनेट के ऊपर, उसमें से 46% एक्सटॉर्शन होता है सोशल मीडिया की मदद से, जिसमें से 41% अकेला कंट्रीब्यूट करता है इंस्टाग्राम, 9% स्कैम डेटिंग ऐप्स के थ्रू होता है और 4% स्कैम्स गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। जी हाँ, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी स्कैम होता है, उसके लिए इन डिटेल वीडियो में अलग से लेकर आ रहा हूँ। और एडल्ट साइट्स के ऊपर भी स्कैम चलता है, जब वहाँ पे आप लिंक्स पे क्लिक कर देते हो या दिए गए नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप कर देते हो, तो वहाँ से वो पूरा स्कैम चालू हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, आप जैसे ही उनको डीएम करते हो, मैसेज करते हो, आपसे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र करोगे ना, सीधा वो आपको ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक नहीं करा उन्होंने, न्यूट वीडियो कॉल करी आपके साथ, तो क्या होता है, वो उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। और न्यूट वीडियो कॉल करने के बाद देखिए, ये आपकी रियल आईडी ले लेते हैं, फेसबुक की आईडी ले लेते हैं, उससे बाद में आपको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं। और जैसे जैसे आप इनको पैसा ट्रांसफर करते जाते हो, ये और ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, आपसे और पैसा एक्सट्रॉट करने की सोचते हैं। देखिए, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, अगर आपसे गलती हो गई, आपने इनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, इन्होंने आपकी रियल आईडी या फेसबुक आईडी ले ली है, तो इनको और पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये महाफट्टू लोग होते हैं, जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल करोगे, साइबर रिपोर्ट करोगे, FIR कटवाओगे ना, ये तुरंत पीछे भाग जाएंगे। बट अगर आप लोग डर के मारे कि सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, पैसे देता रहता हूँ, तो ये आपसे पैसे लूटते रहेंगे। और जिस दिन आपने पैसा देना बंद करा, उसी दिन ये आपके सारे वीडियोस, फोटोस, इन्फॉर्मेशन, आईडी सब कुछ लीक कर देंगे और आपके क्लोज फ्रेंड के अंदर सेंड कर देंगे। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। तुरंत गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, साइबर रिपोर्ट करके पोर्टल होता है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल कर सकते हो, FIR कटवाओ, लीगल नोटिस भिजवाओ। और अगर आपको नहीं पता कि कौन से अच्छे लिटिगेशन लॉयर या किसी लॉयर की कैसे मदद लूँ, तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे अप्रोच करो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी लिंक्डइन आईडी है, वहाँ पे मैं आपकी स्टोरी पोस्ट करूँगा, आपका नाम उसके अंदर नहीं डालूंगा। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स यंग लॉ स्टूडेंट या लॉयर्स हैं जो लिटिगेशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगा, हो सकता है कोई यंग लॉयर आपकी मदद कर दे इस केस के अंदर और इस केस से बाहर आने में। देखिए, आप में से ना बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, बट वो अपनी पीड़ा को बाहर लेके नहीं आते। क्या होता है, आपके साथ स्कैम होता है और मुँह पे चुप्पी लगा के घर बैठ जाते हो 10,000-20,000 रुपये डुबा के। आप सोचते हो मेरे साथ हो गया, मैं बच गया, आगे से नहीं करूँगा। ये स्कैमर्स बहुत ख़राब होते हैं, सही बता रहा हूँ, एक स्कैम करने के बाद रुकते नहीं है। एक स्कैम करने के बाद जैसे ही इनको पैसा मिलता है, सामने वाला एक्शन नहीं लेता, वहाँ इनका मोटिवेशन बिल्ड होता है और ये स्कैम पे स्कैम करते जाते हैं और जो बेचारे लड़के होते हैं उनको लूटते जाते हैं। और जितने भी भोले लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनको ज़्यादा इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, उनके साथ ही स्कैम करते जाते हैं। ये लोग बड़े शातिर होते हैं, चंट होते हैं, तो ऐसे स्कैमर्स को रोकने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आगे उठ के आना पड़ेगा। क्योंकि आपका पैसा गया है, आपकी इज्जत गई है, आपके साथ स्कैम हुआ है, तो उसके लिए उठो, घर पे मत बैठो, लड़ो। एक बार लड़ोगे ना, स्कैमर्स में कोई दम नहीं है, अगर इनमें दम होता ना तो ये खुद का स्टार्टअप करते, कंपनी चलाते, कोई अच्छा बिजनेस करते। ये ऐसा काम कर ही इसलिए रहे क्योंकि पता है खुद के अंदर दम नहीं है, दूसरों को ऑनलाइन लूटो, उनकी फैंटेसी का या किसी ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ जिसको पकड़ के एक पर्सन की जेब से पैसा एक्सटॉर्ट करा जा सके। ये पैसा कमाते नहीं है, एक्सटॉर्शन करते हैं पैसा आपकी जेब से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप मेरे लिंक्डइन पर जा सकते हो, इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, वहाँ पर डीएम कर देना, मैं आपकी स्टोरी को रिलेटेड एक पोस्ट डाल दूंगा। उससे होगा क्या, लिटिगेशन लॉयर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और नहीं तो हमारे सोनी विजन का लिंक्डइन पेज भी है, वहाँ पे भी हम आपकी स्टोरी शेयर कर देंगे। अगर वहाँ पे कोई लिटिगेशन लॉयर कमेंट करता है तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिनसे आपको लीगल रेमेडी मिल पाए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, इसको शेयर करो व्हाट्सएप की स्टोरी के अंदर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जिससे आसपास अगर और लोगों के साथ स्कैम हो, वो लोग ठगे जाए, उससे पहले उन लोगों को मालूम पड़ जाए इन स्कैमर्स के बारे में और काफ़ी लोग इस स्कैम से बच पाए। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।